न्यू फार्मासिस्ट वैकेंसी अपडेट इन HSSC वैकेंसी से रिलेटेड पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मर्सर एकेडमी, दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जी हाँ, फार्मासिस्ट की 92 पोस्ट जो है वो आई है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। 92 पोस्ट जो है फार्मासिस्ट की आई है। जबकि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट मतलब फार्मेसी करियर, फार्मेसी करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर में आपकी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। स्क्रीन पे आपको वीडियो देख रहा होगा। उसके बाद पर्टिकुलर जैसे कि हमने रेलवे फार्मासिस्ट पे बात की, फिर ESI हॉस्पिटल पे बात की, और उसके बाद BSF और असम राइफल में जो हाल ही में वैकेंसी आई उसके ऊपर भी हमने बात की। सारे वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और ये सारे के सारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड को लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। आज बात करते हैं फार्मासिस्ट की 92 पोस्ट जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC में आई है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, सर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 92 पोस्ट है, जिसमें कि आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्ट डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सर इसका एज क्राइटेरिया क्या है, तो 17 से लेकर 42 इयर्स, जी हाँ, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में या गवर्नमेंट में कहीं फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है, वहां पे उसकी एज रिलैक्सेशन थोड़ा अच्छा ही होता है, क्योंकि ये पोस्ट हर साल नहीं आती, 3 या 4 साल में एक बार आती है, तो उसका एज रिलैक्सेशन तो है उसी हिसाब से रहता है। 17 से 42 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो इसको फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं EQ के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपके पास 2 क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, एक तो डी फार्मा या फिर बी फार्मा, मतलब आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप बी फार्मा कर चुके हैं देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जैसा कि इस पोस्ट में मेंशन किया गया है, देखिए आपके 10+2 में साइंस होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास में अगर आपके साइंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, और आपके पास डिप्लोमा या डिग्री मतलब डी फार्मा या फिर बी फार्मा दोनों में से कोई भी होगा तो भी चल जाएगा। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इस वैकेंसी में देखिए, रजिस्टर्ड विद HPCI मतलब हरियाणा फार्मेसी काउंसलिंग से जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, आपके पास बी फार्म या डी फार्म की डिग्री है, बहुत ही अच्छी बात है। अब सेकेंड कंडीशन यहां पे आती है, जो स्टूडेंट हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जिन स्टूडेंट का लाइसेंस जो है ड्रग लाइसेंस हरियाणा फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूवल है, वही स्टूडेंट यहां पे इस फार्मासिस्ट की पोस्ट में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। यहां पे साफ मेंशन किया गया है कि आपके बी फार्मा या फिर डी फार्मा होना चाहिए, और इसी के साथ जो स्टूडेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका मतलब उसके पास जो ड्रग लाइसेंस है वो HPCI हरियाणा फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसका पे स्केल जो है वो FPL 6। देखिए पूरे डिटेल में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आप इसकी वेबसाइट देखकर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि इसका पे स्केल किस हिसाब से रहेगा। मोटे तौर पर इन शॉर्ट में अगर बताऊं आपको, तो गवर्नमेंट जॉब है तो पे स्केल जो है वो अच्छा ही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटेलिंग ऑफ फीस की। कुछ इसकी फीस नहीं है, 150 रुपीज ओनली फीस है। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट के कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं उसकी फीस जो है वो नॉमिनल जाती है, 150 रुपीज जनरल कैंडिडेट के लिए है, और बाकी सबके लिए इससे कम ही कम और भी कम होगी। जी हाँ, तो ये वैकेंसी अपडेट थी फार्मासिस्ट कैंडिडेट जो कि हरियाणा से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उन सब के वैकेंसी अपडेट थी। अगर फ्यूचर में और भी बहुत सारी फार्मेसी रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है, तुरंत ही 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही फार्मास्यूटिकल रिलेटेड न्यूज अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।